अस्सलामुअलैकुम। नर्सरी क्लास में हम हमारी मतनी की मैथ की थर्ड टर्म की बुक है उसमें सीखेंगे। तो देखो उसमें पेज नंबर 102, तो हमें क्या दिया हुआ है कि राइट द मिसिंग नंबर। हमें यहाँ पर मिसिंग नंबर लिखना है। देखो वन है तो वन के बाद क्या आता है, तो वन के बाद टू, तो हम यहाँ पर टू लिखेंगे। फिर थ्री, तो थ्री के बाद क्या आता है, फोर। तो देखो वन टू थ्री फोर फाइव, वन टू फाइव कंप्लीट हुआ ना। तो इस तरीके से हमें क्या लिखना है, हमें मिसिंग नंबर लिखना है। देखो आप बुक देखोगे तो आपको यहाँ पर इस तरीके के बॉक्स दिए हुए हैं, तो बॉक्स में जो मिसिंग है उसे हमें कंप्लीट करना है। तो देखो वन लिखा हुआ है, तो वन के बाद क्या आएगा, टू। फिर टू के बाद थ्री लिखा हुआ है, तो थ्री के बाद क्या आएगा, फोर। और फोर के बाद फाइव लिखा हुआ है। तो इस तरीके से हम मिसिंग नंबर लिखेंगे। फिर देखो आगे यहाँ पर एक बॉक्स है, फिर ये सेवन वाला बॉक्स, फिर यहाँ पर एक बॉक्स है, और फिर यहाँ और यहाँ। तो देखो वहाँ पर हमने फाइव लिखा, तो फाइव के बाद क्या आएगा, और सेवन के पहले, तो फाइव के बाद क्या आएगा, सिक्स। क्या आता है, सिक्स। फिर सेवन, सेवन के बाद एट, एट के बाद नाइन, और नाइन के बाद वन ज़ीरो टेन। तो इस तरीके से हमें ये लिखना है। फिर देखो आगे टेन, तो हमें यहाँ पर टेन तक कंप्लीट हुआ। उसके बाद देखो यहाँ पर एक बॉक्स है, फिर ट्वेल्व, फिर वन थ्री थर्टीन, वन फोर फोर्टीन। तो देखो वन वन इलेवन, वन टू ट्वेल्व, वन थ्री थर्टी, वन फोर फिफ्टी। तो देखो यहाँ पर पूरा हमारा कंप्लीट होगा फिफ्टीन तक। तो देखो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन। तो यहाँ पर हमारा वन फोर फोर्टीन तक कंप्लीट होता है। तो ये आपको अच्छे से कंप्लीट करना है। तो ये हमारा पेज नंबर 102। उसके बाद क्लास वर्क सेम एज होमवर्क हमारा पेज नंबर 103। तो यहाँ तक आपको कंप्लीट करना है।